हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे ईएसपी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ईएसपी का पूरा नाम क्या है। ईएसपी मतलब कि इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये एक फ्लू गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट है और इसे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ईएसपी का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डस्ट पार्टिकल को ये सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। पहला देखा जाता है गैस फ्लोरेट। ठीक है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में देखा जाता है। दूसरा देखते हैं इसमें टेम्परेचर। डिग्री सेंटीग्रेड में। ये जो है लगभग डिज़ाइन इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन क्या होता है इसमें लगभग ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड का डिज़ाइन होता है, लेकिन इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो सल्फर होता है उसका जो ड्यू पॉइंट होता है, उसकी जो ड्यू पॉइंट जो होता है वो 120 डिग्री से नीचे रहता है ना, इसीलिए ताकि कंडेंसेड ना हो और ये सल्फर के साथ मिक्स होकर, ठीक है, मिलकर ये H2SO फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है इसको जो टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर जो होता है 120 डिग्री से तक रखते हैं। ठीक, तीसरा है जो ईएसपी होता है उसके इनलेट में डस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है ग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक, चौथा होता है ईएसपी के आउटलेट में डस्ट कंसंट्रेशन एट आउटलेट ऑफ ईएसपी। ठीक है, इसको देखा जाता है मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब में। ठीक है, पांचवा देखते हैं जो ईएसपी की जो डस्ट कलेक्शन इफिशियंसी है, कलेक्शन इफिशियंसी। ठीक है, ये लगभग 99.96% होता है। ठीक है, छठवां में देखते हैं ईएसपी की टाइप्स। ठीक है, किस टाइप की है? जैसे कि ये ड्राई टाइप की है और इसमें गैस का जो फ्लो है वो क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सातवां देखते हैं इसमें ईएसपी में नंबर ऑफ फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड। ठीक है, ईएसपी में नंबर ऑफ फील्ड जिसमें से गैस पास होता है। आठवां है
इसमें एक और चीज देखा जाता है आपने में, ट्रीटमेंट टाइम, ट्रीटमेंट टाइम। ट्रीटमेंट टाइम क्या होता है कि ईएसपी में गैस की जो इनलेट्स होने से गैस की आउटलेट होने तक की जितना भी समय लगता है इनलेट होने से आउटलेट होने में फ्लू गैस को, ठीक है, तो उस टाइम को वो ट्रीटमेंट टाइम कहलाता है। ठीक है, एक और होता है नौवा, एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये ईएसपी की हाइट, ठीक है, ईएसपी की लेंथ मीन्स लंबाई और ईएसपी की हाइट, ठीक है, मीन्स ऊंचाई, इन दोनों की रेशियो को ही एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ईएसपी है 12 मीटर की इसको लेंथ है, ठीक है, और 11 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है, तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो होगी 1.09। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में ईएसपी की जनरल अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक।